नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जिस उपाय जानकारी के बारे में बताया गया है कि इस उपाय से व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी, बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की हुई है। इस उपाय को यदि व्यक्ति ऐसी चीजों को प्राप्त करने में आजमाता है जो असंभव सी लगती हैं, तो वह भी संभव बन जाती है। चांद की चांदनी में यह उपाय करने को बताया गया है और विशेष तौर पर किन क्षेत्रों में यह उपाय अत्यंत ही चमत्कारी साबित होता है, वह क्षेत्र है खेल का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, गायन, बजायन, नृत्य यानी कि कला का क्षेत्र, एक्टिंग का क्षेत्र, फिल्म का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में राजनीति का क्षेत्र या ऊंची जो बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति विदेशों में बड़ा कोई कारोबार करना चाहता है या कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, यानी कि ऊंची चीजें करने वाला व्यक्ति जो बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता है किसी भी क्षेत्र में हो। कुछ लोग होते हैं ऐसा जिनके अंदर विलक्षण प्रतिभा होती है और उन्हें एक राइट डायरेक्शन या एक सही चीज नहीं मिल पा रही होती है, उनके लिए यह उपाय है जो उनकी बुद्धि, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा से संबंधित यह उपाय है, मन का स्वामी है और मन का ही कनेक्शन बुद्धि से भी है। तो यह व्यक्ति को ऐसा डाइवर्ट, इस तरीके से व्यक्ति को यह बदलता है कि व्यक्ति को वो चीजें, वो मार्ग, वह सब कुछ उपलब्ध होने लगता है। वो बड़ी कामयाबी, भले ही वह किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्ति को सामने नजर आने लगती है। इतना चमत्कारी किस उपाय को बताया गया है। बताया गया है कि कोई विशेष पूर्णिमा अभी नजदीक पे आ रही है, कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इसी तरीके से कार्तिकी पूर्णिमा और भी बहुत विशेष रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, किसी भी विशेष पूर्णिमा से करने को बताया गया है। बताया गया है कि इस दिन चांद की चांदनी में, जब पूर्ण चांद हो, इससे पहले भी आप कर सकते हैं, बाद में भी आप कर सकते हैं, चांद की चांदनी में किसी बर्तन में, कोई ऐसा बर्तन जिसमें आपके पांव, दोनों पांव डूब जाएं, उतना पानी लीजिए और उस पे एक चांदी का टुकड़ा आप डाल दीजिए। अब उस चांदी वाले पानी में आप बाहर रख लीजिए, ऐसी जगह पे रख लीजिए, ऐसे स्थान बना लीजिए जहां से आपको चंद्रमा की पूर्ण रोशनी नजर आए और संभवतः वह आपके पाँव पे भी गिरे तो अति उत्तम है। अब आप उसको देखते हुए वहां पर को थोड़ा सा चंद्र ग्रह का ध्यान आदि कर लीजिए और अपने सपनों आदि के लिए जो आपने सोचा है उनकी कल्पना करते हुए, जिन देवी देवताओं को शक्ति एक है कहते हैं, ईश्वर एक है, रूप अनेक है, हम ग्रह रूप में भी मानते हैं, माता रानियों की नव दुर्गा रूप में भी मानते हैं, भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, अनेकों, राम, हनुमान, परशुराम, कई प्रकार के रूपों में भी हम इनको मानते हैं। तो जिसको भी आप मानते हैं उसका वहां पर को आप स्मरण कर लीजिए और सभी देवी देवताओं का एक बार ध्यान कर लीजिए और दोनों पाँव को इस अवधि में जब आप उसमें डालें तो दोनों पाँव के तलवों को रगड़ते रहिए। प्रयास इस तरीके से करिए कि तलवे जो पाँव के होते हैं, दोनों पाँव को उस पानी में आप रगड़ते रहिए और चांदी का टुकड़ा यदि पाँव में आ जाए तो उसको दोनों पाँव के बीच फंसाते हुए रगड़ते रहिए कम से कम 10-15 मिनट, जब तक पूर्ण रोशनी रहती है। रोशनी तो पूरी रात पूरी रहेगी, लेकिन कम से कम अपना एक समय आप बना लीजिए, एक निश्चित समय कर लीजिए जब तक आपको पूर्ण चांद दिखाई देता है, 2-3-4 दिन की अवधि में। कंटिन्यू अगले पौर्णिमासी के आसपास भी आप ऐसा करिए। बताया गया है कि 6 पौर्णमासी तक व्यक्ति यदि ऐसा पूर्ण चांद के साथ देखते हुए करता है तो चांद की कृपाओं से प्राप्त होने लगती है, उसके पांव सही दिशा में जाने लगते हैं, क्योंकि चांदी एक ऐसा धातु है जिसे पांव में भी धारण किया जाता है, सोने को हम कभी भी पांव में धारण नहीं करते हैं। तो इसलिए चांदी मई पानी में बोला गया है कि पांव को यदि तलवों को रगड़ा जाए तो पांव जो कि हमारी सही मार्ग, सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, जो मन उनको इधर उधर भटका रहा है वह सही मार्ग की ओर लेके आता है, क्योंकि चंद्रमा से ही पूरा यह संबंध है। और एक निश्चित समय तक जब आप इसे रगड़ लेते हैं इस पानी पे अपने पाँव को, उसके पश्चात इस पानी को किसी नाली में आप बहा दीजिए जिसमें गंदगी आदि बहती है, उसी दिन या
अगले दिन। ऐसा माना जाता है कि जो भी आपके अंदर की बुराई या गंदगी या कोई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी उन्नति में रुकावट हैं, जो आपके कदमों को सही दिशा की ओर नहीं जाने दे रही हैं, वह दूर हो जाती हैं। तो इनका स्थान कोई वृक्ष आदि नहीं है, या तो किसी वीरान जगह पे छोड़ दीजिए उस पानी को, अन्यथा नाली में आप बहा दीजिए। तो बड़ी बड़ी कामयाबी भी यह छोटा सा उपाय व्यक्ति को दे जाता है, बशर्ते कि इसमें समय जरूर लगता है, हो सकता है 6 महीने से थोड़ा सा कुछ आगे भी लगे, लेकिन उम्मीद की किरण आपको अवश्य ही नजर आएगी, क्योंकि ये प्राचीन काल से सिद्ध बताए गए उपाय हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने ऐसे कई पूर्व में कई उपाय बताए जिनका लोगों के जीवन में चमत्कारिक प्रभाव पड़ा है। पिछले 3 वर्षों से हम देख रहे हैं, आज भी उन वीडियो पे लगातार कमेंट आते रहते हैं, तो बड़ा हर्ष होता है। मिलियन तक उनमें लोगों ने देखा है, किसी को लगभग 7-8-10 लाख लोगों ने वीडियो को देखा है, आजमाया है, और उस पर उन्होंने अपना जो अनुभव है, जो सफलता है, वह लिखी हुई है। तो हमें भी ऐसे उपाय लाने में बड़ा हर्ष होता है, गर्व होता है कि आप लोग आजमाते हैं प्राचीन उपायों को, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता आज हमारी जो पुनर्जीवित हो रही है, तो यह बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आज लोग उपाय आजमा रहे हैं, ज्योतिष को आजमा रहे हैं, पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये हमारी पुराना कल्चर, पुरानी संस्कृति है जो हमें एक मनुष्यता का अभाव कराती है कि हम मनुष्य हैं, वरना जानवरों के बीच में मनुष्यता बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि आज के समाज में हम लोग देखते हैं। तो यह हमारे जो आसपास अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो मनुष्यता में वृद्धि है, आसपास का माहौल भी मनुष्यमय होता है। तो ये उपाय भी कहीं ना कहीं ऐसी बुद्धि देते हैं कि हम कुछ अच्छा करते हैं और अपने जीवन में भी कुछ अच्छा ही होता है। तो एक बड़ी कामयाबी हेतु ये एक बहुत अच्छा उपाय था, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। यदि आप लोगों को यह पसंद आया तो आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमेशा ही हम लोगों का आप लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, महत्वपूर्ण है बेल आइकन, उसे अवश्य दबाएँ। हम यह नहीं कहते कि आप तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, 10 वीडियो देखिए, 20 देखिए, 50 देखिए, जब आपको अच्छा लगता है तो अवश्य ही जुड़िए, निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। बशर्ते कि हम कभी कभी गैप ले लेते हैं 5 दिन 10 दिन का, कभी स्वास्थ्य की वजह से, कभी किसी वजह से, क्योंकि अकेले व्यक्ति हैं, किंतु जानकारी आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ ही देने का प्रयास करते हैं, जिसका कि चमत्कारिक प्रतिफल आप लोगों को शीघ्र देखने में आए, ऐसी जानकारी हमेशा ही आप लोगों को उपलब्ध रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।